जलवायु परिवर्तन के कारण हिमाचल में भी ग्लेशियर पिघल रहे हैं। खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार 4 ग्लेशियर का अध्ययन करने के लिए जुलाई में एक टीम भेजेगी। यह बात आज शिमला में हिमाचल के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। हाँ, एनवायरनमेंट डे की जो ये मनाने की प्रक्रिया काफ़ी समय से पहले शुरू हो गई थी। बहुत जगह बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग में किया, स्लोगन राइटिंग में किया। बहुत से इंस्टीट्यूशंस को आज अवार्ड दिया गया है जिन्होंने सालों साल इसमें काम किया है, अस्पतालों को दिया है, इंडस्ट्रीज को दिया है, तो आज उसका कल्मिनेशन था। बट आज जो संदेश था वो मुख्य रूप से यही है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल दरवाजे पर आ गया है और हिमाचल के कंटेक्स्ट में ग्लेशियर जो हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसका कि बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसके संदर्भ में सरकार जो है वो स्टडी करने जा रही है और 4 जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उनको अपनी टीम भेजेगी जुलाई के महीने में। बाकी बच्चों से और बाकी सब लोगों से अनुरोध किया गया कि जो पॉल्यूशन के संदर्भ में अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक के प्रति सहज हों तो अगर हर नागरिक अपना कर्तव्य करे तभी ये समस्या का जो है नियंत्रण हो सकता है। देखिए, ग्लेशियर का सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि कहीं कोई अचानक ना फट जाए। जैसे अभी सिक्किम में अचानक फट गया था और उसके बाद भयंकर तबाही हुई थी, तो भारत सरकार के साथ हम लोगों ने 4 या 5 ऐसे ग्लेशियर्स को आइडेंटिफाई किया है कि वहाँ जाके हम देखेंगे कि क्या अगर वहाँ पर कुछ अलार्म हुआ तो किस तरीके से उस लेक पे काम किया जाएगा, वो देखना शुरू करेंगे। देखिए, जंगलों के आग के संदर्भ में भी ये जो बहुत अफसोसजनक तथ्य सामने आया है वो ये है कि आग जो है वो या तो ह्यूमन नेग्लिजेंस से लग रही है, लोग अपनी घासनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आग लगा रहे हैं और वो जंगलों में फैल रही है, या कुछ जगह करीब काफ़ी लोगों को भी इसे देखा गया है जो शरारत वजह से कर रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज तो ऊपर से तो आग आ नहीं रही है, आग तो नीचे से ही आ रही है। और एक और अनुरोध है कि जब लग जाए तो भी बिना कम्युनिटी के सहयोग से इसको बुझाना मुश्किल है। होपफुली मौसम और कुछ बेहतर होगा तो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। हाँ, एनवायरनमेंट डे की जो ये मनाने की प्रक्रिया काफ़ी समय से पहले शुरू हो गई थी। बहुत जगह बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, पेंटिंग में किया, स्लोगन राइटिंग में किया। बहुत से इंस्टीट्यूशंस को आज अवार्ड दिया गया है जिन्होंने सालों साल इसमें काम किया है, अस्पतालों को दिया है, इंडस्ट्रीज को दिया है, तो आज उसका कल्मिनेशन था। बट आज जो संदेश था वो मुख्य रूप से यही है कि क्लाइमेट चेंज बिल्कुल दरवाजे पर आ गया है और हिमाचल के कंटेक्स्ट में ग्लेशियर जो हैं वो तेज़ी से पिघल रहे हैं, जिसका कि बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। उसके संदर्भ में सरकार जो है वो स्टडी करने जा रही है और 4 जो बड़े ग्लेशियर